आज हम एक खेल के जरिए लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे। बच्चों को खेल खेल के माध्यम से लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्तक निकालने की विधि मैंने सिखाई है। आइए देखते हैं, यदि हमको 4 और 5 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है तो उसे कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए, 4 का लघुत्तम समापवर्त्य, तो पहले 4 के अपवर्त्य निकालने पड़ेंगे हमको। अपवर्त्य मतलब गुड़ज होते हैं, तो हमको 4 के गुड़ज पे 1 कलर की गोटियाँ रखनी हैं। 4 के अपवर्त्य में हरे कलर की गोटियाँ रख दी गई हैं। इसी प्रकार 5 के अपवर्त्य में ब्लू कलर की गोटियाँ रखी जा रही है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। अब हमको ये देखना है, समापवर्त्य निकाल रहे हैं तो हमको ये देखना है कि समान अपवर्त्य कौन कौन से हैं। तो दोनों कलर की गोटियाँ कौन से नंबर पे आई है? 20। और ऐसे ही आगे हमको और भी संख्याएं मिल सकती है, परंतु लघुत्तम समापवर्त्य नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि लघुत्तम है, तो सबसे छोटी जो संख्या है, जो समापवर्त्य है हमारा, वो 20 है। इस प्रकार 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 4 और 5 का उत्तर आ गया 20।